हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो आपके प्लस वन क्लास की जो सेकंड जो बुक है स्नैपशॉट, उसमें जो सेकंड लेसन है द एड्रेस, जो मार्गो मिंगो ने लिखा है, आज हम वो करेंगे। ठीक है, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इस चैप्टर में क्या है, जो वार और जो मतलब प्री वार और पोस्ट वार की जो सिचुएशन है वो हमें बताई गई है। इसमें सिर्फ दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो जो मिसेस एस है वो इसमें मतलब कि जो मतलब उसके जो मिसेस एस है उसकी बेटी का इसमें मतलब डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, जस्ट इसमें सिर्फ नेम ही मेंशन है मिसेस एस का, अदरवाइज उसकी डेथ हो चुकी है वॉर में। ठीक है, जो उसकी जो बेटी है उसका नेम मेंशन नहीं है, उसको हम सिर्फ मिसेस एस की डॉटर के से ही पहचानेंगे। ठीक है, उसका नेम मेंशन नहीं है, जस्ट मिसेस एस ही दिया गया है नेम है। और जो जो मिसेस एस के अलावा डॉटर के अलावा कौन है सेकंड कैरेक्टर हमारा, मिसेस डॉर्लिंग, जो उसकी एक फ्रेंड भी नहीं कहेंगे वो, जो जिसके साथ उसकी सिर्फ एक्वेंटेंस थी। एक्वेंटेंस क्या होता है, जिससे हम कहते हैं सिर्फ जान पहचान होती है। ठीक है, तो सिर्फ दो मेन हैं इसमें करेक्टर हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली इस लेसन में क्या है कि जैसे वार के बाद की सिचुएशन कैसी होती है, वार से पहले की लाइफ कैसी होती है, तो वो इमोशंस इस लेसन में राइटर ने बताया हुआ है कि किस तरीके से फीलिंग होती है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन अवर दिस लेसन। डू यू स्टिल नो मी आई आस्क। तो लेसन की स्टार्टिंग कैसे होती है कि आई आई कौन है यहाँ पे, जो मिसेस एस की जो डॉटर है, मैंने बताया था अभी, तो नरेटर ही है वो। ठीक है, तो वो कहती है कि डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम तो मुझे अभी जानती हो। द वुमेन लुक एट मी सर्चिंगली, और जो वो वुमेन होती है वो उसको ऐसे देखते हैं जैसे बहुत मतलब कि अच्छे से सर्च कर रही है उसको। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, और जैसे क्या होता है कि कहीं पर हम किसी के लिए दरवाजा खोलते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा खोलते हैं ताकि हमें मतलब किसी को अंदर नहीं आने देते ना, बाहर अंदर से ही देख लेते हैं कि भाई बाहर कौन है। तो इस तरीके से वो दरवाजा खोलती है और आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और वो थोड़ा पास आती है और उसको मतलब कि स्टेप पे मतलब कि जैसे घर के आगे जो स्टेप बना होता है वहाँ पे खड़े होकर देखती है। नो आई डोंट नो यू, और वो उसको क्या बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, आई एम मिसेस एस डॉटर। और वो अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, और वो इस तरीके से उसने दरवाजा पकड़ा हुआ था कि जैसे वो उसको अंदर नहीं आना देना चाहती है। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और उसके फेस ऐसा लग रहा था जैसे उसने तो उसको पहचाना ही नहीं है। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, और वो उसको बड़े आराम से उसको मतलब कि साइलेंस स्टेयर करती है, स्टेयर कर तो घूरती रहती है। Perhaps I was mistaken, और उसको इस तरीके से देखते हैं उसको ऐसे लगता है कि जैसे मैंने ही कोई गलती कर दी हो। I thought perhaps it is not her, और मुझे लगा कि उसे मैं वो ये सोचती कि शायद उसको ऐसा लगा कि वो उसे नहीं जानती। I had seen her only once, और वो जो नरेटर होते वो कहते हैं कि हाँ मैंने भी शायद उसको एक थोड़ा ही एक ही बार देखा था, फ्लीटिंगली, मतलब फ्लीटिंगली क्या होता है, फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए देखा था, दैट वॉज ईयर अगो, और वो भी बहुत साल पहले देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रॉबेबल दैट आई हैड रन द रोंग वेल, और उसको खुद ही ऐसा फील होने लग जाता है जिससे सबसे उसको देखती है, इग्नोर करती है वो, कि जैसे उसने किसी और डोर की बेल गलती से बजा दी है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर स्टेप टू द साइड, और जैसे वो मैंने फिर क्या किया, एकदम से दरवाजा बंद कर दिया और वो एकदम से साइड हो जाती है। शी वॉज वियरिंग माई मदर ग्रीन नीटेड कार्डिगन, और उस लेडी ने क्या है उसकी मदर का ही जो कार्डिगन जो बनाया होता है वही डाला होता उसने। द वुडन बटन वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो मतलब कि जो बटन उसकी उस पर कार्डिगन पे लगे होते वो धो धो के बहुत ज़्यादा मतलब कि रफ हो गए थे। शी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने उसको देखा कि जैसे भाई मैं उसके कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ। एंड हाफ इट हर सेल्फ, और तो उसने क्या किया अपने आप को आधा छिपा लिया दराजे के पीछे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब उसको जब उसने उसकी वुमन को देखा ना, जैसे वो दराजा बंद करके फिर बाहर आती है ताकि भी वो अंदर ना आ पाए, और जब वो बाहर आती है तो वो उसको देखती है कि भाई वो तो मेरे कार्डिगन की तरफ देख, तो वो अपने आप को हाफ छुपा लेती है। और तो उसको मतलब कि लड़की को क्लियर हो जाता है कि तो सच में मतलब मैं वही उसी प्लेस पे हूँ जहाँ पे मतलब उसको आना चाहिए था। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क, तो मैंने उसे पूछा कि क्या आप मेरी मदर को जानते हो। हैव यू कम बैक सेट द वुमेन, और उस वुमेन ने बोला क्या तुम वापस आ गए हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, और वो कहती है कि मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता था कि वे वार है और वॉर में मतलब कि जैसे क्या उनकी डेथ हो जाए, कि वो उनका घर का सारा सामान ले आए थे, तो उसको मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन थी कि उसके घर का कोई भी मेम्बर वहाँ पर आएगा। ठीक है, ओनली मी, और वो कहती है कि सिर्फ मैं हूँ
अ डोर ओपन एंड क्लोज इन अ पैसेज बिहाइंड, और तभी से क्या होता है, दरवाजे से एकदम से खुलता है, एकदम से बंद हो जाता है, ठीक है, मेरे पीछे से। अ मस्टी स्मेल अमर्ज, और एक बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेल स्मेल आ रही होती है वहाँ से। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, और वो कहती है कि मतलब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, अब वो कहती है कि मैं तो भाई ट्रेन में स्पेशल आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, कि मैं तो कुछ टाइम तक के लिए आपसे, मैं तुमसे बात कर सकूं। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन, और वो जो वुमेन होती है वो उसको बोलती है कि भाई अब ये मेरे लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है। आई कांट सी यू, मैं मतलब कि अब आपसे नहीं मिल सकती हूँ, मतलब कि किसी और दिन। शी नॉडेड, नॉडेड क्या होता है, सिर हिलाना, एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिसर्ड, और वो इस तरीके से मतलब कि दिखा रही थी कि जैसे वो मतलब ये नहीं चाहते कि घर के अंदर किसी और को पता चले कि कोई वहाँ पे आया है, और उससे कोई पूछे कि जो सामान है वो कहाँ से आया था। एंड आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, और वो लड़की कहती है कि मैं वहीं पर खड़ी रही जहाँ पे, मतलब उसी स्टेप पर। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव, और जैसे जो कर्टन लगे होते जो खिड़की के आगे, वो थोड़ा सा मूव हुए। समवन स्टेयर्ड एट मी, और कोई जैसे मेरी तरफ देख रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर उसे कोई पूछ रहा है कि भाई वो गेट पर कौन था और मतलब क्या वो चाहता है। और नथिंग द वुमेन वुड हैव सेड, इट वॉज नथिंग, और जैसे वो अंदर बाहर से खड़ी होकर सुन रही है कि जैसे कोई अंदर कोई उसे पूछ रहा है कि वहाँ पे कौन था, और वो कहते कि कोई नहीं था, ठीक है, और भाई वो वुमेन से क्या चाहते, तो वो कहते कि इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था। आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन, और जैसे वो बाहर खड़ी होती है तो वो नेम प्लेट पे फिर से दोबारा देखती है। डोलिंग इज सेड इट इन द ब्लैक लेटर ऑन वाइट इनेमल, इनेमल क्या होता है कि जैसे क्या होता है जो घर के नेम प्लेट्स पे जब हम तो डिजाइनिंग वाले लगाते हैं ना, ग्लोसिस होता है जो अलग से चमकता है, तो वो वाइट नेम प्लेट पे एड्रेस लिखा होता है, और वो बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा होता है, नंबर 46, ठीक है। एंड एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, और वो कहती है कि जैसे मतलब जैसे बंद कर दी उसने उससे बात नहीं की, तो वो क्या करती है स्टेशन की तरफ जाना शुरू कर देती है। आई थॉट अबाउट माई मदर, वो अपनी मदर के बारे में सोचना शुरू कर देती है। हु हैड गिवन मी द एड्रेस क्या है वो, कि उस मतलब कि क्योंकि उसकी मदर ने उसको इतने सालों पहले एड्रेस दिया था। इट हैड बीन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, वो कहती है कि जैसे वार होने के बाद इतना टाइम बीत गया था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, फिर वो मतलब फ्लैशबैक जा रही है स्टोरी पीछे की, मतलब याद करती है वो कि भी मैं घर पे कुछ टाइम के लिए जैसे आई थी। इट स्टक मी इमिडिएटली दैट समथिंग और अबाउट द रूम हैड चेंज, और फिर उसको जैसे जब वो घर पे वापस आई थी तो उसको लगा था कि उसके घर में मतलब उसने काफ़ी चेंजेस नोटिस किए थे रूम में। आई मिस वेरियस थिंग, एंड वो कहते कि मैं अपने बहुत सारी चीज़ों को मिस करती हूँ। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और मतलब मेरी मदर को भी लगता था कि भी मतलब मैंने चीज़ें मतलब कि नोटिस की थी। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डॉर्लिंग, और मतलब मेरी मदर ने मुझे मिसिज डॉर्लिंग के बारे में बताया था जब एक बार वो छुट्टियों में घर पर आती है। मतलब आई हैड नेवर हर्ड ऑफ बट अपेरेंटली शी वॉज नॉट ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ मदर, कि वो उसको मतलब कि उसकी मदर को बहुत अच्छे जो फ्रेंड है उसको बहुत अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन उसको लगता है कि वो उसकी मदर की थोड़ी पुरानी मतलब कि जान पहचान की थी। होम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिसने उसको काफ़ी सालों से नहीं देखा था। शी हैड सडनली टर्नड अप एंड रिन्यूड देयर कनेक्ट, कि जैसे उसके मदर उसको ज़्यादा टाइम से नहीं जानती थी, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके मदर के साथ कॉन्टैक्ट बना रही है। एंड सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और जब से उसके मदर के साथ उसने कॉन्टैक्ट बनाया तब से वो क्या है रेगुलरली आती है। एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, और जैसे ही वो उसके घर में आती है उसकी मदर के घर में, वो थोड़ा थोड़ा सामान करके वो लेके जाती है, ठीक है। एंड शी टुक ऑल हर द टेबल सिल्वर इन वन गो, और वो क्या करती है कि क्या होता है कि जैसे वो उसकी मदर को पहले नहीं जानती थी, लेकिन उसकी मदर को वो फिर जाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उसको पता था कि जैसे उसकी जो मदर है वो जूस है, और जूस पीपल के साथ उस टाइम क्या था बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था। तो जैसे उसको ये था कि भी वो उसने उसकी मदर को ऐसे कन्विंस किया कि भाई मैं तुम्हारा सामान है मैं अपने घर ले जाऊँगी, वो सेफली पड़ा रहेगा, ठीक है। तो वो क्या करती थी जैसे जब भी घर में आती थी तो वो कुछ ना कुछ सामान लेके चली जाती थी। शी टुक ऑल हर टेबल सिल्वर इन वन गो, तो पहली बार आपको ये भी ध्यान रखना है कई बार यही पूछ रहे थे कि सीक्वेंस बताओ कि सीक्वेंस में वो सामान लेकर जाती है। तो फर्स्ट सीक्वेंस में वो क्या लेकर जाती है, सिल्वर की टेबल सिल्वर्स लेकर जाती है, एंड देन द एंटीक प्लेट्स, और उसके बाद कुछ उनके घर में एंटीक प्लेट्स लगी हुई थी वो हैंग करी हुई थी वो ले जाती है। शी ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेज, फिर एक बहुत बड़ा वेज होता है, वो कहती है कि आई एम वरीड सो शी गॉट अ क्रीक इन बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और उसको लगता है कि भाई उसको ऐसा लगता है इतना भारी सामान लेकर जाएगी तो उसके कमर में मतलब जैसे क्रीक क्या होता है जैसे एक झटका लग जाता है, वैसे तो भी हो सकता है उसको। माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली, और जो मेरी मदर ने भी उसकी तरफ मतलब बड़ी दया से गर्दन घुमाई थी। आई वुड नेवर हैव डेयर आस्क हर, कि मतलब उसकी आई यहाँ पे कौन उसकी मदर है कि उसकी मदर ने भी मतलब कभी डेयर नहीं किया उसे वो पूछे। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ,
और मतलब कि वो मतलब कि कुछ सजेस्ट करे उसके लिए कुछ, शी इवन इंसिस्टेड शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग। और वो जैसे जब उसको इंसिस्ट करती है कि भाई तुम ऐसे क्यों दंग हो रही हो, तो वो ये कहती थी कि भाई मैं तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें बचाना चाहती हूँ, इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज। और उसके मतलब उसको कहते हैं कि अगर हम अपनी सारी चीज़ें यहाँ छोड़ देंगे तो क्या होता है वॉर के टाइम में, क्या सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है हम सारी गुम हो जाएंगे हमसे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी वुड कीप एवरीथिंग आई आस्क। और फिर मैंने पूछा उनसे कि क्या आप एग्री हो कि वो सारी चीज़ें संभाल लेगी। एज इफ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड, इट वुड सिंपली बी इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। वो उसकी मदर उसको कहती है कि अगर मैं एकदम से उससे डायरेक्टली पूछती हूँ कि क्या तुम इन चीज़ों को संभाल लोगी, तो वो क्या होगा, एक इंसल्टिंग होगा। एंड थिंक अबाउट दैट इज शी इज रनिंग एंड ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ अर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। और मतलब कि वो तो बल्कि अपने रिस्क पर लेकर जा रही है, मतलब इतना भारी भारी सूटकेस वो उठा के लेके जा रही है, वो हमारे लिए तो लेकर जा रही है ना। माई मदर सीम टू बी नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस। और मेरी मदर को पता था कि मैं मतलब पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुई हूँ। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, और मतलब वो इस तरीके से मेरे तो देख रही है कि जैसे मतलब कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ। आफ्टर दैट शी वी स्पोक नो मोर अबाउट। और फिर उसके बाद मतलब मैंने और मेरी मदर ने कोई बात नहीं की थी इससे रिलेटेड। मीन वाइल आई अराइव द स्टेशन। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्या है, जैसे उसके घर से वापस आ रही है तो पुरानी बातें दिमाग में उसको घूम रही हैं, ठीक है अभी किस तरीके से उसकी मदर ने उसको बताया था उसके बारे में, किस तरीके से वो सामान लेके गई थी, फिर मैंने अपनी मदर को ये बात बोली थी, फिर वो मेरी मदर ने बहुत बोला था, तो ये उसको माइंड में घूमता है। तो लेकिन जब वो अपने स्टेशन में पहुंच जाती है, ठीक है, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग ऑन द वे। और वो मतलब कि जैसे जब स्टेशन पे वापस आ रही थी तो बिल्कुल आसपास का कोई भी चीज़ पे उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा होता है। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। और मतलब कि वॉर के बाद वो इतने टाइम के बाद वहाँ पर आती है तो उसको वो सारी चीज़ें फैमिलियर होती है। बट आई डोंट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। लेकिन वो अब उसे ज़्यादा मतलब कि अटैचमेंट नहीं रखना चाहती इन चीज़ों से। आई डोंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट। और वो गलियों में देखकर अपने आप को अपसेट नहीं करना चाह रही थी। एंड हाउस इज़ फुल ऑफ मेमोर फॉर अ प्रीशियस टाइम। क्योंकि जो जो उसकी सॉरी मेमोरीज है यहाँ पे, जो उसकी जो मेमोरीज जुड़ी हुई थी उसके घर से, वो पुरानी जैसे चीज़ों को देखेगी तो उसको दोबारा से रिकॉल होगा। तो वो अभी वो चीज़ें अब वो अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी वो चीज़ें याद करके। इन द ट्रेन बैक आई सो मिसेस डार्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। और अब फिर से दोबारा से वो पुराना याद करती है सीन कि जैसे उसकी ट्रेन वापस आ रही थी तो उसने मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने देखा था। और वो फर्स्ट टाइम था जब उसने उस मिसेस डॉर्लिंग को देखा था। इट वाज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माय मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। और सिर्फ उससे मतलब कि मॉर्निंग ही, तो उससे पहले की मॉर्निंग थी जब उसकी मदर ने उसके बारे में उसको बताया था। और जिस दिन वो मतलब कि उसको जाना था वापस, तो उस दिन वो थोड़ा लेट हो गई थी। एंड आई हैड गोट अप द लेट, कि मैं लेट हो गई थी। और मैं जब कमिंग डाउन से जैसे वो नीचे आ रही थी, आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। और उसने देखा था कि उसकी मदर जैसे कोई उसे मतलब कि छोड़ के जा रहा है उसके घर में से, अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक। और मतलब कि उसने मतलब कि थोड़ा सा झलक देखी थी उसने उसकी वुमेन की, कि जो पीछे से थोड़ा सा ब्रॉड थी। एंड दैट देयर इज़ माई डॉटर सैड माई मदर। और मेरी मदर ने जैसे मुझे बोला, उसको बोला कि भाई ये मेरी बेटी है, शी बैक ऑन टू मी। और एकदम से उसने थोड़ा सिग्नल दिया, द वुमेन नॉडेड पिक्ड मी द सूटकेस अंडर द कॉट रैक। और जो वुमेन ने क्या क्या थोड़ा सिर हिलाया और अपना जो सूटकेस को लेके गई हुई थी उसने सूटकेस उठाया, ठीक है। और जो मतलब लेकर वो चल जा रही थी, शी वोर अ ब्राउन कोट। उसने क्या डाला हुआ था, ब्राउन कोट डाला हुआ था एंड ए शेपलेस हैट, और एक मतलब कि बिना शेप की हैट डाली हुई थी। तो मतलब कि उसको थोड़ा सा याद था कि जैसे उसकी मदर ने उसको उसे मिलवाया था और उसने मतलब कि जो ड्रेस क्या डाली हुई थी और वो किस तरीके से दिख रही थी, मतलब कि थोड़ा सा उसको याद था। डज शी लीव फार अवे आई आस्क, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। हाँ, दिस इज द यही पेज है। तो मतलब कि तो उसने उसे पूछा, मतलब कि उसकी मदर ने उसे पूछा, मतलब उस नरेटर ने उसे पूछा, डज शी लीव फार अवे, कि आप वो घर से ज़्यादा दूर रहती हैं और क्या मतलब कि उसको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं होती थी वो भाई इतना हैवी केस यहाँ से उठा के वो अपने घर की तरफ लेके जाती है। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेट माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट। उस टाइम उसकी मदर ने उसको ये बताया था कि वो लेडी कहाँ पर रहती है, 46 जो हाउस नंबर है और मार्कोनी स्ट्रीट है। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और उस टाइम से उसको वो एड्रेस याद था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, और उसने बहुत वेट भी किया था वहाँ पे जाने तक, क्योंकि उसको ये था कि भाई वो जैसे उसको फोन करके बताएगी कि भाई अब तुम अपना सामान ले जाओ, तो उसने वेट भी किया था इनिशियली आफ्टर द लिब्रेशन, कि जैसे मतलब कि उनको लिबर्टी मतलब फ्रीडम मिल गई थी, जैसे मतलब कि वॉर के बाद वो फ्री हो गए थे। तो आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ओवर द स्टोर्ड स्टफ़, कि वो नरेटर कहते कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी जो सारा सामान था उसको वापस लाने में। नेचुरली आई वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ इट, कि नेचुरली उसको डर था
क्योंकि वो पुरानी चीज़ें आएंगी और उसको वो अटैचमेंट होगी, अफ्रेड ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड विच वर हिडन अवे इन कबर्ड एंड बॉक्सेज वेटेड इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन दिस प्लेस अगेन विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। और उसको मतलब कि अब अफ्रेड ऑफ बिग कॉन्फ्रंटेड मतलब कि फेस टू फेस वो चीज़ों को देखेगी, तो उस चीज़ का इससे डर था कि जो चीज़ें अब उसको मतलब कि क्या है कि इतनी मतलब कि वो अटैचमेंट थी उसको अपने सामान से कनेक्शन था और अब वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जब वो मतलब चीज़ें उनके पास थी तो बड़े अच्छे से वो उसको संभाल के रखते थे, उसकी मदर भी थी, अब उसकी मदर भी नहीं है, अब उसको ये लगता है कि वो चीज़ें मुझे पुरानी मेमोरीज को याद दिलाएंगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी उन चीज़ों के साथ मतलब कि पुराना मतलब उसको याद नहीं करना चाह रही थी। बट ग्रेजुअली इवेंचुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, अब वो कहते हैं कि लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल सा होने लगा। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर की, अब यहाँ बताया कि जो ब्रेड है मतलब जैसे वो डार्क ब्राउन कलर के होते थे अब वो लाइट कलर के हो गए हैं। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप, अब एक अच्छा बेड भी मिल गया है जिन पे वो आराम से सो सकते हैं, मतलब कि अनथ्रेटन मतलब जिसमें उनको डर नहीं लगता, जैसे पहले वो सो नहीं पाते थे अब उनको डर नहीं लगता। आ रूम विद अ व्यू वर नो मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, और हर दिन मतलब कि जो उसका रूम है वो थोड़ा और बेहतर होता जा रहा है। वन डे आई नोटिस आई वॉज कुरियस अब ऑल दिस पोजिशन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और अब उसको थोड़ा लगने लगा था कि भाई जैसे अब जिस घर में वो रह रही है अब उसके पास वही चीज़ें होनी चाहिए जो उसके पास पहले थी। आई वॉन्टेड टू सी दैम टच रिमेंबर, और वो उन चीज़ों को दोबारा से टच और मतलब को याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन द वेन टू मिसिज डॉर्लिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, अब उसने फर्स्ट टाइम जब विजिट किया था वो तो उसका वेन मतलब कि बेकार ही गया था क्योंकि वो एंटर ही नहीं कर पाई थी घर के अंदर, ठीक है, तो वो सेकंड टाइम ट्राई करते। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कहीं पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे कि वो कितनी बार विजिट करते हैं, वो टू टाइम्स विजिट करती है, फर्स्ट टाइम में वो एंटर नहीं कर पाती है, सेकेंड टाइम में लेट अस सी कि क्या होता है। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ईयर ओपन द डोर टू मी, अब 15 साल की लड़की एक दरवाजा खोलती है, जब वो सेकेंड टाइम जाती है। आई आस्क्ड इफ़ हर मदर वॉज एट होम, और जब मैंने उसे पूछा कि क्या तुम्हारी मम्मी घर पर हैं, नो शी सेड माई मदर डूइंग एन एरेंड, एरेंड क्या होता है जॉब की, जिसे मेरी मदर क्या है कहीं जॉब पर गई हुई है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर, वो कहते कि चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, और फिर मैंने मतलब कि जैसे वहीं पर बैठ के अपनी उसकी लड़की सा वेट किया। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुका एंड कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू मिरर, और एक ना पुराने टाइम में जो कैंडल होल्डर होता है काफ़ी बड़ा कैंडल होल्डर है उसमें काफ़ी सारी कैंडल्स लगी हुई हैं, तो वो उन्होंने मिरर के साइड में टांग रखा था। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच कम्बरसम, कम्बरसम का मतलब कि अनकन्वीनियंट लगता था, उनको कम्फर्टेबल नहीं लगता था क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था तो काफ़ी सारी कैंडल्स लगती थी, तो वो कहते हैं कि भाई हमने कभी यूज़ नहीं किया, सिर्फ उसमें एक सिंगल कैंडल स्टिक्स लगाया करते थे हम। वो नोट यू सिट डाउन आज द गर्ल, और जैसे वो लड़की उसको बोलते क्या तुम नहीं बैठोगी, शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम आई वेंट इन साइड पास्ट हर, और जैसे उसने लिविंग रूम का दरवाजा ओपन किया तो वो अंदर जाती है। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, और वो एकदम से रुकती है और बहुत डर जाती है। आई वॉज इन द रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, और वो क्या कहते हैं कि मैं उस रूम में थी जिसमें मतलब जिस रूम को नहीं जाती लेकिन मैं जानती हूँ, इसका मतलब क्या है कि जब वो उस रूम में जाते तो उसको वो जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें तो उसकी थी, अब वो तो जानती है लेकिन मतलब कि डिनर नो का मतलब कि लेकिन जहाँ रखी हुई है उस प्लेस को तो नहीं जानती लेकिन जो चीज़ें हैं वो उसको बहुत अच्छे से जानती है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑपरेस मी इन ए स्ट्रेंज एटमोसफियर, वो चीज़ें जिसमें वो अपने आप को पाती है उन चीज़ों से वो मतलब कि दोबारा वो देखना तो नहीं चाहती थी लेकिन अब उसको वो सारी चीज़ें एक ऐसे एटमोसफियर में मिलती हैं जो बिल्कुल अलग सा होता है। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, क्योंकि जो वो अपने घर में रहते थे वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से अरेंज करके रखते थे और यहाँ पे अब चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं बिकॉज ऑफ अगली फर्नीचर बिल्कुल मतलब कि भद्दा सा लग रहा है उसको, एंड मतलब कि मगी स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आ रही है वहाँ से, ठीक है। आई डोंट नो बट आई स्केसली डेयर टू लुक अराउंड मी, कोई चाहती तो नहीं लेकिन फिर वो धीरे धीरे सारी चीज़ें देखती है। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, जैसे लड़की वो चेयर मूव करती है, आई सेट डाउन, वो बैठती है, स्टार्टेड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और जब वो बैठती है तो जैसे टेबल के आगे से वो होती है ना, जैसे मेरी चेयर पे बैठती है तो टेबल आगे जो पड़ी होती है उस टेबल पे जो क्लॉथ होता है वो उसको देखती है, वुलन का होता है। आई रब्ड इट, वो रब करती है, माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, जैसे वो रबिंग करती है हाथ लगा के टच करके देखती है तो उसका जो हाथ होता है वो गर्म हो जाता है थोड़ा सा। आई फॉलोड द, क्योंकि वुलन पे जब आप टच करोगे ना बार बार तो वो आपको गर्म सा लगता है, तो आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, तो जो पैटर्न बना होता है उस पर वो
मतलब कि जैसे सीक्वेंस में हाथ चलाती है अपना, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, वो सोचती है कि उसके ना जो उनका टेबल क्लॉथ था उसके ऊपर एक बर्न मार्क बना हुआ था, वो सोचती है कि वहाँ पे बर्न मार्क उसको मिलेगा और वो रिपेयर नहीं हुआ था, मतलब जो उन्होंने रिपेयर नहीं कराया था, तो अगर वो उनका होगा तो वहाँ पे बर्न मार्क पक्का होगा। ठीक है, माई मदर विल बी बैक सून सेट द गर्ल, जिससे वो लड़की है वो ये कहती है कि मेरी मम्मी वापस आ जाएगी, आई हैव ऑलरेडी मेड टी ऑफर और विल यू हैव अ कप, कि मैं मुझे अपनी मम्मी के लिए चाय बनाने का, तुम चाय लोगी, थैंक यू, वो कहती है कि थैंक यू भाई हाँ मतलब पी लूँगी। आई लुक्ड अप, जैसे वो देखती है द गर्ल्स पुट्स कप रेडी ऑन द टी टेबल, और जैसे वो लड़की चाय बनाने की जाती है तो वो टी कप रेडी करती है, शी हैड अ ब्रॉड बैक, और वो भी अपनी मदर की तरह पीछे से ब्रॉड होती है, एंड जस्ट लाइक हर मदर उसकी मदर की तरह शी पॉर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, और एक वाइट पॉट में से वो कुछ चाय मतलब जैसे चाय डालती है, ऑल इट वो हैड वर द गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और जो वो जो पॉट होता है वो भी गोल्ड बॉर्डर का होता है लिड से, उसको याद आ जाता है, शी ओपन्ड अ बॉक्स और टुक सम स्पूंस आउट, और फिर उसने एक बॉक्स लिया उसमें से कुछ स्पूंस निकालती है, दैट्स अ नाइस बॉक्स, और वो कहती है कि बहुत अच्छा बॉक्स है, आई हर्ड माई ओन वॉइस, और उसको ना जैसे ये बात बोलते हैं उसको अपनी खुद की आवाज़ सुनाई देती है, और वो एक स्ट्रेंज वॉइस होती है, ठीक है, एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, उसको ऐसा लगता है कि हर जो आवाज़ आ रही है ना वो थोड़ा डिफरेंट आ रही है, ओ यू नो अबाउट देम शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, और वो कहती है कि तुम्हें क्या इन सब चीज़ों के बारे में पता है, और वो एकदम से हंसती है, माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, वो कहती है कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया हुआ है कि ये ना एंटीक है, वी हैव गोट लॉट्स मोर, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा एंटीक हैं, शी पॉइंटेड राउंड द रूम शी सी फॉर यूरसेल्फ, वो कहती है कि जैसे रूम में पॉइंट कर करके बताती है कि ये देखो कि भाई ये सारी चीज़ें हमारी हैं, आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, और वो कहते हैं कि मुझे चीज़ें अब वो दिखा रही है कि ये चीज़ देखो ये चीज़ देखो, वो कहते हैं कि मुझे ये चीज़ें पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एंड आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, और वो कहते हैं कि भाई जैसे टी टेबल पे वो जस्ट वो जैसे टी टेबल पे एकदम से देखती है, एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, और वो जो ट्रे होती है ना उसके ऊपर एक मतलब कि वो बना होता है डिज़ाइन बना होता है जिसमें एक प्यूटर प्लेट मतलब ट्रे होती है जैसे कॉपर और उसके अदर मटेरियल की बनी होती है, ठीक है, तो उस प्लेट पे ना एप्पल्स छपे हुए थे, तो वो उसको बचपन में ऐसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फैसिनेट करते थे, उसको ऐसे लगता था कि जैसे कि भाई वो उस प्लेट में से उसको अगर एप्पल खाएं तो वो वहाँ से आ जाएंगे, मतलब इस तरीके इतनी अच्छी से पेंटिंग बनी हुई थी वो बिल्कुल अलाइव लगती थी उसको वो पेंटिंग, ठीक है, वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, वंस वी ईट इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देम ऑन द वॉल एंड आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, वो कहती है कि भाई हम जो सारी चीज़ें हैं ना जो रखी हुई हमने यूज़ की हुई हैं, और एक बार तो क्या हुआ था जो प्लेट हैंग की हुई ना मतलब कि मैंने उसमें से मतलब कि एक बार उसमें खाया भी था और लेकिन वो इतना मुझे स्पेशल नहीं लगी, ठीक है, आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, द गर्ल लुक क्वेश्चनिंगली एट मी, और फिर जैसे वो जो टेबल क्लॉथ पे से उसने ना उसको उसको वो बर्न मार्क मिल जाता है जो वो ढूंढ रही थी, ठीक है, और वो जो लड़की होती है वो उसको मतलब मतलब बड़े उसे देख रही होती है जैसे क्वेश्चंस की वो किस तरीके से मतलब एकदम से बोल रही है कि भी उसको इस चीज़ स्पेशल नहीं लगी, ये साइज सेट यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल द थिंग्स लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, अब वो कहती है कि भाई अब वो उसको ना एक कमेंट तरीके से बोल रही है उसको कि भाई आई सेड यू गेट मतलब कि तुम ही ये चीज़ें को मतलब इस तरीके से टच कर करके देख रही हो कि शायद तुमने कभी देखी नहीं होंगी ये, यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जांपल, और वो उसको ये बोलती है कि भाई कोई चीज़ अगर हमारे पास या तो हम किसी को बोरो मतलब किसी को दे देते हैं गिफ्ट कर देते हैं या फिर वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तभी मतलब कि हम उन चीज़ों को मिस करते हैं, वैसे हम उन चीज़ों के बारे में नहीं हम इतना सोचते हैं, ठीक है, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस आई वेंट ऑन, और तभी फिर से उसको अपनी वही आवाज़ सुनाई देती है और वो कहती चल जाती है, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, कि मेरी मदर ने मुझे एक बार बताया था कि अब देखो वो क्या कह रही है कि भाई जब जैसे उनके पास वो चीज़ें थी तब उन्होंने इस चीज़ को कभी ध्यान नहीं दिया, अब वो उसके पास नहीं है तो अब उन चीज़ों को मिस कर रही है, तो इसी बात पे वो एक पुराना टाइम का वो याद रखती है कि भाई उसकी मदर ने एक बार उसको बोला था कि क्या तुम इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश हर सिल्वर, कि क्या जो उनके पास जो सिल्वर के जो बर्तन थे वो उनको पॉलिश करने में हेल्प करेगी, इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत टाइम पहले की बात है, आई वॉज प्रॉबली बोर्ड दैट डे, कि मैं शायद बोर हो गई थी उस दिन, परहैप्स मेरे पास मतलब कि मैं घर पर थी घर पे और मतलब बिकॉज आई वॉज क्योंकि मैं बीमार थी, एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, उससे पहले उसकी मदर ने उसको कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था, आई आस्क हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड, और उसको ना सिल्वर के बारे में पता भी नहीं था, तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा तो उन्होंने रिप्लाई किया था और सरप्राइज किया कि इट वॉज अ स्पून, कि जो हम स्पून हैं फोक्स हैं नाइव्स हैं जो हमारे पास जो मतलब कि हम जो यूज़ करते हैं वो क्या है सिल्वर के, उसको आज से पहले इस बात का पता नहीं था,
ठीक है, दैट वॉज अ स्ट्रेंज थिंग, आई डिड नॉट नो कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वो सिल्वर. उसको बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि जिस कटलरी में वो खाना खाते हैं उसको अभी तक यही नहीं पता था कि वो सिल्वर की है. उस दिन जब उसके मदर उसको पॉलिश करने के लिए बोलते हैं उस दिन उसे पता चलता है. द गर्ल लाफ्ड अगेन, और वो जिस लड़की को बता रही होती है वो बहुत हंसती है. आई बेट यू डोंट नो इट इधर, आई लुक इंटेंटली एट हर. वो कहती है कि मैं बेट लगाती हूँ कि तुम्हें भी नहीं ये पता होगा. एंड वट वी एट वी शी आस्क, वो कहते हैं कि अभी हम किस चीज़ों के साथ खाते हैं. वेल डू यू नो, क्या तुम्हें पता है. शी हेजिटेट, वो थोड़ा एजिटेट करती है. शी वॉक टू साइड बोर्ड, और वो साइड में चल जाती है और वो डोर ओपन करती है. कि वो कहती है कि हाँ मैं चलो तुम्हें दिखाती हूँ कि हमारे पास कैसे हैं. आई जम्प्ड अप, वो नरेटर अब खड़ी हो जाती है. आई वॉज फॉरगेटिंग टाइम, वो कहती है कि मैं तो टाइम भूल गई हूँ. आई मस्ट कैच माई ट्रेन, कि मुझे तो ट्रेन पकड़नी है. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉयर, और वो लड़की क्या होता है ड्रॉयर पर, मतलब कि चली जाती है वो ड्रॉयर में. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, और फिर वो जैसे वो ड्रॉयर में से निकाल रही होती है वो उसको बोलती है कि क्या तो मेरी मदर के लिए वेट नहीं करूँगी. नो आई मस्ट गो, वो कहती है नहीं मुझे जाना है. आई वॉक टू द डोर एंड द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, और जैसे ही मतलब कि मैं डोर की तरफ जाती हूँ तो वो जो लड़की होती है वो ड्रॉर ओपन कर रही होती है. आई कैन फाइंड माई ओन वे, कि मतलब मैं अपने आप ढूंढ लूँगी. नहीं, फिर वो कहती है कि आई कैन फाइंड माई ओन वे, मतलब वो जैसे वो एकदम से आने की कोशिश करती है, वो कहती है कि नहीं मैं अपने आप ही, मुझे रास्ता पता है कि कहाँ से जाना है. एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे वो उस रास्ते में से जा रही होती है, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉक्स, और जो स्पून और फॉक्स को लेने के लिए गई थी ना तो उनकी साउंड उसको सुनाई देती है. जैसे चम्मच वगैरह जब हम किचन में जाते हैं तो खड़खड़ाते हैं या पकड़ते हैं तो हमें आवाज़ आती है ना, तो वो जिंगलिंग्स होती है साउंड को बोलते हैं, तो उसको वो साउंड आती है. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक अप एट द नेम प्लेट, और जैसे ही वो रूम से बाहर आती है, मतलब घर से बाहर आती है रोड पे, तो उसको एक नेम प्लेट फिर से दिखाई देती है एंड जिसके ऊपर लिखा होता है मार्कोनी स्ट्रीट. इट सेड आई हैड नंबर एट नंबर 46, नंबर भी 46 होता है. द एड्रेस वॉज करेक्ट, कि जो एड्रेस होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है. बट आओ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, अब लेकिन वो ये कहती है कि मैं अब इस एड्रेस को बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहती. आई वो नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक इन योर मेमरी विद द फैमिली लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू वेन सर्वर्ड फ्रॉम दैम यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स. अब वो कहती है कि भाई ये एड्रेस तो सही था लेकिन अब वो ये एड्रेस दोबारा नहीं याद रख जाती और ना ही वो वापस जाएगी. क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको जो मेमोरी में है, अब वो जो मेमोरी में है, अब जो जब उनके पास थे तो अटैचमेंट थी, अब वो जो मेमोरी में रह गए हैं, अब जो उसकी मदर ही नहीं है, अब वो चीज़ें क्या हैं उसकी मदर की उसको याद दिलाती हैं. तो वह कहती है कि अब वो उनसे सेपरेट हो चुकी है, अब वो एक स्ट्रेंज सराउंडिंग में है, वो उनके घर में नहीं है, अब दूसरी जगह रखे हुए हैं, उसको बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है. एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, और वो कहती है कि अगर मैं ये चीज़ें ले भी लूँगी तो मैं इन चीज़ों का करूँगी क्या, मैं रखूँगी कहाँ, क्योंकि वो खुद ही एक रेंटेड रूम में रहती है जहाँ पे दैट वेयर द शेड ऑफ ब्लैंक आउट पेपर, जहाँ पे मतलब कि जो उसने स्मॉल जो रैक्स हैं उसके पास रखने के लिए, जिसने पेपर से मतलब कि वो फोल्ड कर करके कर रखे हैं, विंडोज़ पे लगा के कवर अप किया हुआ है, और उसके पास ज़्यादा मतलब कि कटलरी भी नहीं है इस जहाँ पे वो उसके ड्रॉअर्स पे वो उसको फिट कर पाएगी. ठीक है, क्योंकि कटलरी रखने के लिए स्पेस भी तो चाहिए ना, वो इतना स्पेस ही नहीं है उसके पास. वो कहती है कि आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, और वो डिसाइड कर लेती है कि अब उसको एड्रेस को बिल्कुल भी याद नहीं रखेगी. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, वो कहती है कि सबसे ज़्यादा अब उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब उसको मतलब कि वो चीज़ भूल जानी चाहिए, वही उसके लिए सबसे ज़्यादा आसान रहेगा. तो इट वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर. तो हमें इस चैप्टर में क्या समझ में आता है कि जो मतलब कि वॉर से वॉर के बाद की जो कंडीशन होती है, वॉर के बाद की जो लाइफ होती है वो किस तरीके की हो जाती है. ठीक है, तो वो सब हमारे इस चैप्टर में बताया गया है कि देखो अब एक बात हो ना कि वॉर में उसके पास बेचारे के पास मदर भी नहीं रही उसकी, क्योंकि वो खुद और मतलब उसकी मदर ही थी, और वॉर के बाद उस वॉर में अपनी मदर को भी खो देती है, तो उसके पास बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा उसके पास. जो सामान था वो भी वो ले गई है, मिसेज डॉर्लिंग ले गई है, तो मतलब कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है वॉर की वजह से. उनकी लाइफ की जो कितनी अच्छी मेमोरीज थी वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है, और वो जो सामान था अब उसके साथ वो अटैचमेंट भी नहीं रखना चाहती, क्योंकि अब उसको लगता है कि अब उसके उसकी जो उसको दोबारा वो चीज़ें याद आएंगी, दोबारा रिकॉल करेगी, और अब उसके पास उसकी मदर भी नहीं है जिसके साथ वो अब मतलब कि टाइम स्पेंड कर सके, और ना ही उसके पास इतना स्पेस है जहाँ पे वो रख सके. तो इसमें हमें मेन कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है कि जो
मेन कैरेक्टर कौन है, मिसेस एस की डॉटर है, ठीक है, और मिसेस डॉर्लिंग है, हाउस नंबर मेन है थोड़ा 46 है, मार्कोनी स्ट्रीट है, और सबसे पहले वो उनके घर में से प्लेट लेके जाती है, ठीक है, और फिर वो जो मतलब कि और फिर वो जो वॉल्स पे जो एंटीक पीस लगे तो वो लेके जाती है, फिर उसके बाद क्रॉकरी लेके जाती है, ठीक है, और वो जो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करती है जो लड़की है वो, क्योंकि उसकी मदर ने जो ग्रीन कलर का कार्डिगन डाला होता है उससे वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, और कितनी बार विजिट करती है, ये क्या है, 2 टाइम्स विजिट करती है, ठीक है, और ये जो स्टोरी है वो क्या है, एक प्रेडिकामेंट है, एक कन्फ्यूजन है बिटवीन द प्री वार एंड पोस्ट वार, ठीक है, और जो लेडी होती है जो मिसेस एस है वो ज्यूस पीपल होते हैं, और ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है इस चैप्टर में, ठीक है, ओके, होपफुली आपको ये लेसन अच्छा लगा हुआ है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, जब भी आप चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।